मशहूर शायर अकबर साजिद कयूमी फतेहपुर जिले के प्राथमिक विद्यालय अस्थि की प्रधान आसिया भारती पर सटीक लगता है। अपने कर्म जीवन का अभिष्ट उद्देश्य बनाकर आसिया ने आगे बढ़ना शुरू किया तो खुद मशहूर हो गई। जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर सदर ब्लॉक अस्थि गांव में पहुंचते ही एक सुसज्जित भवन अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। रंग बिरंगी दीवारें, बेहतरीन पेंटिंग, क्यारियों में लगे फूल। जी हाँ, ये कोई प्राइवेट संस्था नहीं बल्कि प्राथमिक विद्यालय है। तुम्हें सबसे बड़ी राजनीति वही है जो आपको दायित्व मिले उसी को सच्चे तरीके से निर्वहन करना। इसी कथन को आत्मसात करते हुए एक अध्यापिका ने प्राथमिक विद्यालय की तस्वीर ही बदल दी। गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए अध्यापिका अपने मासिक वेतन से 5,000 रुपए हर महीने निकालती है। उसी से पूरे विद्यालय का कायाकल्प हो चुका है। विद्यालय का कायाकल्प कुछ यूं हुआ, जो कोई भी अगर इधर से गुजरता है ये कहने पे मजबूर हो जाता है क्या ये सरकारी स्कूल है। म्यूजिक सिस्टम और ड्रम की धुन पर सुबह की प्रार्थना के साथ इस स्कूल में अक्षर शिक्षण की शुरुआत होती है। कक्षा में विषय को रोचक और रंगीन बनाने के लिए कविता के माध्यम से पाठ कराया जाता है। गणित और विज्ञान का शिक्षण बोझल न हो इसके लिए DLM यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल का सर्वाधिक प्रयोग होता है। Now I tell you the series of the President of India, First President Dr. Rajiv Prasad, Second Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, Third Dr. Zakir Hussain, Fourth Sri V.V. Grip, Fifth Sri Fakhruddin Ali Ahmed, Sixth Sri Neelam Sanjeev Reddy. देश के सभी प्रदेशों की राजधानी, मुख्यमंत्री का नाम और ऐसा तमाम ज्ञान जो बच्चों की जुबान पर है। कक्षा 5 की सानिया बिना रुके अब तक के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का नाम ड्रम से सुनाती है, तो वही अंग्रेजी के पाठ और कविताएं भी बच्चे हर्राटे से पढ़ते हैं। Hello, good morning. My name is Mumtaz. I tell you a story. The crow and the pigeon. One upon summer afternoon, a thirsty crow was flying around in search of water. The ponds were dry and so at the well at last he saw that the pigeon. But still he did not drink the water. The crow became sad. प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 में दाखिला लेने से पहले बच्चों का शैक्षणिक स्तर दुरुस्त रहे और इसके खर्च का बोझ अभिभावकों पर न पड़े, इसका भी ध्यान आसिया ने रखा है। प्री प्राइमरी के लिए स्कूल के एक कमरे में प्ले ग्रुप की पाठशाला बनाई जाती है। इस कमरे को नन्हे मुन्हे बच्चों के लिए आकर्षक ढंग से सजाया गया है। रंग बिरंगी कुर्सी, मेज और परिसर में बिछी कालीन लोगों का मन मोह लेती है। यहाँ पर बच्चे ही नहीं थे, सबसे पहली चीज यहाँ पर ना भौतिक परिवेश अच्छा था, ना यहाँ छात्र संख्या थी, यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते थे, ना अभिभावक स्कूल में बच्चों को भेजना पसंद करते थे। और सबसे खराब बात जो थी यहाँ अराजक तत्व बहुत थे। यहाँ पर फुटबॉल थे स्कूल में, यहाँ पर नल पर पानी पूरे दिन भरा जाता था और यहाँ पे शराब पी रहे हैं दिन भर, गंदे तरीके से पड़े हुए हैं, बच्चों का नाम और निशानी, मतलब स्कूल का जैसा माहौल ही नहीं था। जो शिक्षा का मंदिर स्कूल को होना चाहिए, जहाँ बच्चे होना चाहिए, रौनक होना चाहिए, हरियाली होना चाहिए, वो ऐसा कुछ नहीं था यहाँ। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा कि नहीं ये सब चीजें बदलनी होगी। बस वही मैंने करा और इन बच्चों के लिए जो भी करा उससे इनको लाभ हुआ। आज हमारे स्कूल में 200 बच्चे हैं, हमारा स्कूल मॉडल स्कूल बन चुका है। जो स्कूल पहले खराब स्थिति में था, जहाँ पे कोई टीचर आना ही नहीं पसंद करता था, शिक्षा तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर बच्चे ही नहीं रुकते थे। मिड डे मील खाया और बच्चे चले गए, मुश्किल से 7-8 बच्चे, लेकिन अब यहाँ पर 200 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन अभी भी मैं अकेली हूँ। यही चाहती हूँ कि हमारे BSA सर, हमारे DM सर हमारे स्कूल में एक टीचर और भेजें। और मैंने यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें करी हैं जिससे कि स्कूल का माहौल बदल गया। नवाचार, बहुत सारे प्रोजेक्ट करा करके ग्रीन आर्मी, हरियाली का वातावरण है यहाँ पर, बच्चे खेल कूद नई नई एक्टिविटी करते हैं और यहाँ पर मोटिवेशनल क्लासेस लगती हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट बच्चों का कराया जाता है बहुत अच्छे तरीके से, PT, ड्रम, माइक पे प्रेयर होती है, इतनी सारी चीजें होती है। DLM का बहुत यूज करते हैं, मॉडल बनाते हैं ताकि बच्चों को अच्छा लगे। और प्रेरणा की बात यह है कि बचपन से ही हम लोगों को स्कूल से ही छोटेपन से ही ये सिखाया जाता है कि भाई हमको अपने देश की सेवा करनी है। और हम लोग छोटेपन से ही सोचते भी हैं कि हम अपने देश की सेवा तन मन धन से करेंगे, बचपन से ही नारे भी लगाते आ रहे बस वही कि नहीं हमें कुछ करना है। और यही बच्चे हमारे देश का भविष्य है, कल अगर इनका भविष्य सुधरेगा तो हमारा देश बदलेगा। 2016 में जब आसिया भारती की यहाँ तैनाती हुई तो उस वक्त स्कूल में 40 बच्चों का ही नामांकन था।
इसमें 10 बच्चे ही पढ़ने आते थे, लेकिन आज बच्चों की संख्या बढ़कर 204 हो गई है। आज आसिया की कोशिश ने सरकारी स्कूल की सूरत के साथ सरकारी शिक्षा के प्रति लोगों की सोच भी बदल दी है।